हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुवैत अपडेट और इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिले। दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, गूगल में आपको टाइप करना है मेटा पोर्टल। जब आप मेटा पोर्टल को क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सिविल आईडी नंबर और पासवर्ड। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो न्यू यूज़र पे रजिस्टर कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आपकी सिविल आईडी नंबर, उसी तरह आपका सिविल आईडी सीरियल नंबर और आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड हो ताकि आपको ओटीपी आता है। जब आप ओटीपी आता है तो दोनों तरफ से आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है, आपका मोबाइल से भी और आपके ईमेल आईडी से भी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद ग्रीन टिक मार जाएंगे, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप देख सकते हो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसी तरह कंफर्मेशन पासवर्ड, सेम आपका फर्स्ट पासवर्ड और सेकंड पासवर्ड मैच होने मांगता है। उसके बाद मैं कंफर्म करूँगा, आप देख सकते हो अगर मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो इसके साम उसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाती है। तो ये दोस्तों ये है मेटा प्लेटफॉर्म की डैशबोर्ड, यानी यहाँ से आप किसी तरह की आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो उसके सामने जो मिनिस्टर ऑफ जो गवर्नमेंट कुवैत के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जहाँ से आपको कौन सी भी अपॉइंटमेंट लेनी है तो ले सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो से के ज़रिए आपको बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो हमें जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो यहाँ उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके सामने दूसरी स्क्रीन आ जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है बायोमेट्रिक इनरोलमेंट, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जब हाँ यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की ये लोकेशन है, जैसे कि जहरा है, उसके बाद है फरवानिया है, सवाल सालिम है, उसके बाद है अहमदी है, उसके बाद मुबारक कबीर है, उसके बाद अलकुट मॉल है, उसके बाद आसमा मॉल है, एवेन्यूज़ है। जहाँ पे आपको लेना है जैसा पॉसिबल है वैसे वहाँ पे आप ले सकते हो। अगर आपको जो एरिया आपको पसंद है नियर है वहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जहाँ पर आपको लेना है वहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जब मैं यहाँ पे अप्लाई के लोकेशन को अप्लाई करूँगा तो ये सारे डेट्स आ जाते हैं। तो मैं 28 अगस्त को यहाँ पे टाइमिंग है फ्रॉम 8 to 9, 10 to 11, 12 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, तो जो आपको लेनी है वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो ये अपॉइंटमेंट मेरी सक्सेसफुली हुई है और मेरा आपको एक ऑप्शन मैसेज आ जाता है कि योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक सक्सेसफुली। तो ये देख सकते हो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है ताकि आपको ये अपॉइंटमेंट मिल सके। और अगर ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिविल आईडी साथ में लेके जाना ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको दी हुई जानकारी से आपको तसल्ली हुई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो और कुवैत रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो और कुवैत रिलेटेड जानकारी आप तक मिले। थैंक यू।